हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज ऑफिशियल, आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की जो ब्लॉगिंग है मेरी, जी हाँ, आज का ब्लॉग का मैं शुरुआत कर रही हूँ आर्यभट्ट की धरती से। जी हाँ, गणितज्ञ है आर्यभट्ट, जो कि शून्य का परिभाषा दिए थे, उनकी धरती से मैं शुरू कर रही हूँ। और ये वहाँ का स्टेशन है, पटना के पास है खगौल, वहीं से मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो हम लोग स्टेशन पर हैं, देख सकते, और हम लोग कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये भी आप लोग को पता चल जाएगा। जी हाँ, इसके लिए बने रहना होगा हमारे ब्लॉग में। तो यहाँ पे कुंज की मस्ती ट्रेन में देख सकते हो, किसी की गोद में वो आराम से चला जाता था। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, जी हाँ आ गए हैं आरा। और आरा जो है वो भोजपुर क्षेत्र है। और यहाँ से 80 साल के एज में लोहा लिए थे, जी हाँ, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पे मैं आई हूँ पहली बार। मेरा ससुराल भी है। और अब फाइनली हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में और जा रहे हैं कहाँ, वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो फिलहाल आप लोग बने रहिए और देखिए, एक गाड़ी में चार लोग बैठे थे, पांच लोग, बाबू भी था। और मुझे ब्लॉगिंग करना था तो मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मौसी जी, मम्मी और इधर मेरी ननद है, वो कॉर्नर में बैठी क्योंकि उनको प्रॉब्लम होता है। जी हाँ, उनको वोमिटिंग होता है, इसीलिए मैं बीच में बैठी हूँ। फिर भी मैं थोड़ा बहुत सूट कर रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हो हवा बहुत अच्छी थी, वो सो गई थी तो मैं ले रही हूँ, मेरा कैसे बाल उड़ रहा है। और यहाँ फाइनली हम लोग आ गए हैं, जी हाँ, माँ काली बखौरपुर वाली। आप लोग नाम सुने होंगे अगर पटना के हैं तो, पटना के हर ऑटो हर गाड़ी में आप लोग को लिखा हुआ मिलेगा। और यहाँ पर कुंज को देख सकते हैं, कुंज कैसे चल रहा है मंदिर में, जी हाँ। और देखिए वो कैसे शरारत करेगा। क्या कर रहे हो कुंज? क्या कर रहा है? इधर देखो, मम्मा। देख सकते हो हम लोग ले रहे हैं फूल माला। और ये जो दुकान है वो मंदिर के पास है, अंदर में है। और ये मंदिर का बाहर का व्यू है। मैं सोची क्यों ना रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाऊं कि ये कितना भव्य मंदिर है। और यहाँ पे लोग धूप जला रहे हैं, होमाद करने के लिए हवन बनाया गया, हवन कुंड। और यहाँ देख सकते हो पूरे प्रांगण का मैं ली हूँ, बहुत ही बड़ा प्रांगण है यहाँ का। एक बार मौका मिले तो आप लोग ज़रूर जाएँ, बहुत ही खूबसूरत है ये मंदिर। और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और यहाँ पे मुझे ब्लॉगिंग करने में भी बहुत मज़ा आ रहा था। और मेरी जो कैमरा मैन थी, मेरी ननद, वो बहुत अच्छा से रिकॉर्ड कर रही थी। यहाँ पे देख सकते हो सारे लोग दीप जलाए, और फिलहाल हम लोग चले मंदिर में। जी हाँ, मंदिर में प्रवेश करेंगे और हल्की सी झलक माँ का दिखाएंगे। तो आप लोग जो भी मनोकामना हो वो माँ से मांग सकते हैं, मन्नत पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो हम लोग फ़िलहाल मंदिर आ गए हैं, मंदिर के गेट के अंदर आ गए हैं। और अब फिलहाल हम लोग जाएंगे मंदिर में। और मंदिर का इंसिडेंट बताऊँ तो बहुत ही अलग रहा, क्योंकि जब मैं गई तो मुझे नहीं लगा था मैं मंदिर के अंदर जा पाऊँगी, लेकिन मंदिर का गेट हम लोगों के लिए स्पेशली खुला था। तो हम लोग के साथ भी चार पांच लेडीज़ थी, वो घुस गई। और पंडित जी मुझसे पूछे कि आप लोग कितने परिवार हैं, तो हम लोग बताए पांच पंडित। और हमारे आगे वो खड़ी थी तो पंडित जी उन लोगों को दे दिए चुनरी। बाद में उन्हें डांट भी पड़ी थी कि जितने लोगों को बोला गया था उतने लोगों को ही देना चाहिए था, वो एक्स्ट्रा दे दिए थे। तो ऐसा हुआ था, उन लोग को लग रहा था कि उन लोग के कारण हम लोग को दर्शन करने के लिए मिला था, तो ऐसा नहीं था। अगर वो मेरी ब्लॉग देख रही होंगी तो मैं क्लियर कर दूं उन लोगों को। और यहाँ माँ बखौरपुर वाली जी को प्रणाम कर लीजिए, माँ काली को प्रणाम। फिलहाल हम लोग पूजा पाठ करने के बाद आगे आ गए, जी हाँ बाहर आए हैं। तो यहाँ पे सारे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, कोई
वीडियो बना रहे थे तो हम लोग भी सोचे क्यों ना बना लें। और यहाँ ये मंदिर के बाहर का है, देख सकते हो। और उसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरे मंदिर में। यहाँ पे फिलहाल हम लोग हुमाद कर रहे हैं और ये भी आ जाते हैं हुमाद करने के लिए। अब बाबू भी आता है जी हाँ, कुंज को भी हुमाद करवा देती हूँ, स्पेशली हुमाद के लिए कुंड ही बना है। तो यहाँ सब लोग हम लोग खड़े हैं हुमाद करने के लिए, तो अलग से हुमाद के लिए दिया जाता है जी हाँ वहाँ पे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, वहाँ का जितने लोग हैं उतने लोगों को दिया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो कुंज के पापा कुंज से करवा रहे हैं और ये दिन ये नहीं डाल रहा है, थोड़ा सा ये ना डरता है कोई भी चीज़ से, तो ये उसको डर लग रहा है। तो फिलहाल फिर भी उसके पापा हाथ पकड़वा के करवा दिए। और अब हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे तो ये भी मेरे पास से क्रॉस कर रहे थे तो बाबू को लेके, तो मैं सोची मेरे ब्लॉग में आप भी आ जाइए, लेकिन ये आते नहीं हैं, थोड़े से साई हैं, बहुत मुश्किल से लाती हूँ। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो ये मंदिर है, अंदर में मूर्ति सारे भगवान जी का मूर्ति सब रखा हुआ है। और यहीं पे आगे चल के जी हाँ मन्नत का धागा बांधा जाता है और कहा जाता है कि आप मन्नत मांगोगे तो वो आपके और माता रानी के, आप किसी के पास नहीं बोलो तभी पूरा होता है। फिलहाल यहाँ देख सकते हो हम लोग जा रहे हैं दूसरे मंदिर में। इसी मंदिर के बगल में ही मंदिर है शिव जी का मंदिर, तो यहाँ पे भी सब लोग जाते हैं पूजा करने के लिए। तो फिलहाल हम लोग भी जा रहे हैं पूजा करने। और ये बाहर का दृश्य है मंदिर का, गुंबद देख सकती हो और नीचे में पानी है जी हाँ, पानी के ऊपर में छत पे बनाया गया है मंदिर। और ये है एंट्री जी हाँ, एग्जिट कहो या एंट्री को, सारा चीज़ इधर ही से ही लोग जाते आते हैं। और फिलहाल हम लोग आ गए हैं मंदिर में। तो यहाँ पर हड्डा बहुत था, तो वो जो वहाँ पर दुकान वाले थे वो बोले थे संभल कर जाने के लिए, क्योंकि हड्डा काट भी लेता। और यहाँ देख सकते हो ये मंदिर है कमलेश्वरी मंदिर, और यहाँ पे सूर्य भगवान का भी मंदिर है देख सकते हो। उसके बाद एक एक करके सारे भगवान जी को आप लोग दर्शन कर लीजिए। और ये देख सकते हो वहाँ का नीचे में सारा रखा हुआ था, तो मेरी ननद ले ली कि मंदिर में इस चीज़ का क्या काम है भाभी, तो मैं क्या उनको बोलूं कि बहुत सारा काम रहता है। और यहाँ पे भगवान जी लोग का आप लोग दर्शन कर लीजिए। और ये बाहर का जो व्यू है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, खुला खुला मैदान, खुला खुला खेत। और ये जी हाँ बांस का पेड़, ये पूरी तरह से विलेज में ही है, अभी उतना डेवलप नहीं किया, लेकिन मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे देख सकते हो सारे लोग हम लोग आ गए हैं शिव जी पे जल चढ़ाने के लिए, तो सारे लोग हम लोग जल चढ़ा रहे हैं, मम्मी मैं। और यहाँ से नीर लिया जाता है। और मेरे साथ इंसिडेंट ये हुआ कि मैं और मेरी ननद सारे लोग ले रहे थे नीर को, जी हाँ जो चढ़ाया जाता है उसको नीर जल दोनों बोलते हैं, तो वही ले रहे थे, तो मेरे जो लोटा है उसमें गिर गया था गेंदा का, जी हाँ गुलदौरी का फूल गिरा था। और यहाँ देख सकते हो ये है बाहर का गुंबद, और वो कैसे ली इस चीज़ का सूट, कैसे की है मुझे नहीं पता, लेकिन ये खूबसूरत बहुत लग रहा है। तो इसके लिए दिल से थैंक्स मैं अपनी ननद को बोल रही हूँ। और ये हैं साईं बाबा, उन्हें प्रणाम कर लीजिए। और इसमें बड़े बड़े मछली थे, जुम करके वो नहीं ले पाई, नहीं तो मछली भी दिखाती, बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा था। और यहाँ पर मम्मी जो है वो कान में ना कुछ कह रही हैं। और यहाँ पे हम लोग निकल गए बाहर। और अब ये जी हाँ नारियल फोड़ना था, तो ये नारियल फोड़ रहे हैं देख सकते हो, ऐसे करके तीन नारियल फोड़ना था, तो सारे नारियल ये फोड़ेंगे। हो गया आज कमाल कर गए। ये रहा तीसरा नारियल, बैक टू बैक नारियल तोड़े जा रहे हैं। कमाल हो गया, कमाल। मीठा मुंह मत करी चलो। और ये जो दृश्य है वो पीछे से है जी हाँ, माँ काली मंदिर का पीछे का व्यू है ये, उस मंदिर का तो मैं दिखाई दी। और अब हम लोग बैठ गए हैं जी हाँ, आयरन देवी नाम सुने होंगे, आरा में आयरन देवी हैं, तो उनके मंदिर में भी हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ आयरन देवी,
तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं आयरन देवी मंदिर, तो यहाँ पे भी मम्मी पूजा के लिए फूल ले रही है। तो ये है मंदिर का दुकान और यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा क्लियर नहीं आ रहा कि आयरन देवी कब बना था, क्या बना था, सारा चीज़ बोर्ड पे मेंशन है लेकिन क्लियर नहीं आया था। और यहाँ पे हम लोग आ गए फिलहाल मंदिर के अंदर और यहाँ है भगवान माँ आयरन देवी, तो आप लोग इन्हें प्रणाम कर लीजिए और माँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और इनका जो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, यहाँ पे फिलहाल मैं पंडित जी को प्रसाद दे रही हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि पंडित जी जो थे वो सारे लोगों को चुनरी दे रहे थे और बोल रहे थे कि अपने शादी के सिंदूरा में बांधने के लिए, तो मैं भी लाई हूँ, अपने शादी के सिंदूरा में भी बांधी हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो मंदिर है काफ़ी पुराना मंदिर है, तो यहाँ का मैं अंडर कंस्ट्रक्शन दिखाऊँगी कि इस मंदिर को तोड़ के फिर से नया बनाया जाएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे थे और ये देख सकते हो मंदिर को तोड़ा कैसे जा रहा है और उसके बाद फिर से एक नया मंदिर खड़ा होगा। देख सकते हो बहुत ही पुराना ये मंदिर है, देखने से तो ऐसा ही लगता है और है भी बहुत पुराना। तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों को बताया दिखाया जाए। और फिलहाल ये बाहर में देख सकते हो किला का निकासी द्वार, एग्जिट एंट्री द्वार यही है। फिलहाल हम लोग अब यहाँ से निकल गए हैं बाहर और ये रास्ते में यहाँ पे कुछ झांकी जा रही थी जिसमें कि गाय, जिसमें कि घोड़ा, ऊंट, ये सारा चीज़ था तो मुझे यूनिक लगा था। तो मैं सोची क्यों ना इसको भी अपने ब्लॉग में शामिल कर लूँ, आप लोगों को दिखाऊँ। यह देख सकते हो यहाँ पे ऊँट कैमल जिसको आप लोग बोलते हो, ये मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों के लिए शामिल कर ली। कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये विलेज वाला, जी हाँ गांव में ही मिलता है और शहर में कभी कदाल देखने को मिलता है। और ये है आरा का स्टेशन, जी हाँ शाम का हम लोगों लोग घूम के अब आ गए स्टेशन, यहाँ से ट्रेन लेंगे और घर जाएंगे। और ये है बाबू वीर कुंवर सिंह, इन्हें आप लोग देख लीजिए ये कैसे घोड़े पे सवार होकर लड़ाई करने के लिए चले। और यहाँ हम लोग फिर से आ गए आर्यभट्ट की धरती, जी हाँ आर्यभट्ट का जो धरती है खगोल, वहाँ पे आ गए और वहाँ से अब हम अपने ब्लॉग को एंड करेंगे घर के लिए। तो यही पे एंड करते हैं क्योंकि घूम घाम के अब अपने घर के लिए जा रहे हैं। बाय बाय, बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना।